हाय बच्चों वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का एजुकेशन ये पार्ट वन सेमेस्टर टू का जो है एजुकेशन बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का एजुकेशन पार्ट सेमेस्टर का एजुकेशन प्रश्न नंबर पांच प्रश्न नंबर पांच क्या कर प्रश्न नंबर पांच देखिए बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करना है उसका स्पष्टीकरण करना है अथवा देखिए यहाँ बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों व आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए मूल्यांकन कीजिए बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए उसका मूल्यांकन करना है उत्तर लगभग ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी तक वैदिक धर्म में अनेक दोष उत्पन्न हो गए पांचवी शताब्दी तक पांचवी शताब्दी तक जो है बौद्ध धर्म में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे ठीक है धर्म के मूल सिद्धांतों के स्थान पर कर्म कांडों का बोलबाला था धर्म के मूल सिद्धांतों पर क्या था कर्म कांडों का बोलबाला था देवी देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं को बलि खुलेआम होने लगी देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या होने लगा पशुओं की बलि खुलेआम देने जाने लगी वर्ण व्यवस्था रूप से जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी वर्ण व्यवस्था क्या थी वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी ब्राह्मणों का शिक्षा पर आधिपत्य हो गया ब्राह्मणों का शिक्षा पर शुरू से अधिपत्य हर क्वेश्चन में जो है है आंसर में बताया जा रहा कि ब्राह्मणों का क्या हो रहा है शिक्षा पर स्टार्टिंग से ही अधिपत्य रहा हुआ इसलिए ब्राह्मणों का क्या हुआ शिक्षा पर अधिपत्य हो गया स्त्रियों और शूद्रों पर दुर्व्यवहार प्रारंभ हो गया स्त्रियों और शूद्रों पर क्या हुआ दुर्व्यवहार की भावना से लोग देखने लगे दुर्व्यवहार होने लगा जनता ब्राह्मणों के बनाए गए नियमों व धार्मिक र्यों से तंग आ गई थी कब पांचवी शताब्दी में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो नीति थी और धार्मिक नियम थे उससे जनता क्या हो गई थी तंग आ गई थी ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप एक सुधारवादी जो है बौद्ध धर्म को जन्म दिया बौद्ध धर्म को जन्म दिए कौन महात्मा बुद्ध जहाँ कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान प्राप्ति को दिया गया जहाँ कर्मकांड कोई भी क्रिया जब किया जाता था कर्मकांड किया जा जाता था पंडितों द्वारा कर्मकांड करवाया जाता था उस पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का स्थान कर्मकांड के जगह पे चेंज करके उसको क्या किया ज्ञान का स्थान दिया अहिंसा सदाचार व पवित्र जीवन पर बल दिया गया जनसाधारण की भाषा अपनाई गई जनसाधारण की भाषा अपनाई गई ठीक है जनसाधारण की भाषा क्या थी पाली और फलस्वरूप बौद्धकालीन जो है फलस्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का जन्म हुआ फलस्वरूप बौद्धकालीन जो है शिक्षा का जन्म हुआ बौद्ध काल में वैदिक काल में समान ही शिक्षा को आध्यात्मिक उपलब्धियों का साधन माना जाता था बौद्ध काल बौद्ध काल में भी वैदिक काल के समान ही शिक्षा को आध्यात्मिक उपलब्धियों का साधन माना जाता था इस संसार के समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या व अज्ञान माना अतः शिक्षा जो है प्राप्त करके ही मानव दुखों से छुटकारा पा सकता है उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है शिक्षा प्राप्त करके ही मानव क्या कर सकता है दुखों से छुटकारा पा सकता है और उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है ठीक है के उद्देश्य व आदर्श बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श क्या थे देखिए यह फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कर रहा है धार्मिक भावना का विकास धार्मिक भावना का जो है विकास हुआ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म को प्रचार व प्रसार करना था बौद्ध धर्म को प्रचार व प्रसार करना था धार्मिक भावना का विकास ये था जिससे छात्रों की आत्मा का विकास किया जा सके जिससे छात्रों को क्या किया जा सके आत्मा का विकास हो सके आत्मा का विकास किया जा सके चरित्र निर्माण चरित्र निर्माण पर भी उस समय विशेष बल दिया जाता था चरित्र निर्माण में क्या था बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण था बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था चरित्र निर्माण भी था इसके लिए बालक को सादा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था बालक को चरित्र निर्माण के लिए क्या कर दिया जाता था सादा जीवन जीना पड़ता था ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ता था और विनय की शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया विनय की शिक्षा का अनिवार्य अंग बना दिया गया थर्ड नंबर पॉइंट देखिए यहां क्या कह रहा है थर्ड नंबर पॉइंट व्यक्तित्व व सामाजिक और समन्वित का विकास व्यक्तित्व व सामाजिक और समन्वित का विकास व्यक्तित्व व सामाजिक का समन्वित विकास बौद्ध संघ जो है मठ व बिहारों में जो है जनतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें छात्र को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर मिलता था भिक्षुओं को अपने विचार प्रदर्शन की स्वतंत्रता थी भिक्षुओं को अपने विचार प्रदर्शन की क्या थी स्वतंत्रता थी साथ ही बौद्ध धर्म का भ्रातृत्व भावना में विश्वास करता था बौद्ध धर्म क्या करता था भ्रातृत्व भावना में विश्वास करता देखिए यहाँ भ्रातृत्व भावना में क्या करता था विश्वास करता था छात्रा में सामाजिक गुण आत्म अनुशासन भाईचारा आदर सत्कार आदि का विकास होता था में में क्या होता था? छात्र सामाजिक गुण आत्म अनुशासन भाईचारा आदर सत्कार व आदि का विकास होता था ठीक है फोर नंबर पॉइंट देखिए बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार ठीक है बौद्ध शिक्षा केंद्रों में बड़ी मात्रा में साहित्य रचना की गई बड़ी से मात्रा में क्या की गई साहित्य रचना की गई साथ ही प्राचीन व नवीन साहित्य के लिए बड़े बड़े पुस्तकालय बनाए गए बौद्ध धर्म जो है प्राचीन व नवीन साहित्य को जो है बड़े बड़े उसके लिए क्या किए गए पुस्तकालय बनाए गए इस तरह भारतीय संस्कृति सुरक्षित रही है बौद्ध भिक्षु देश के बाहर दूर दूर तक धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे

उद्योग की शिक्षा दी जानी थी छात्रों को जो है विभिन्न कला कौशलों व उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी थीन शिक्षा की व्यवस्था का स्वरूप क्या था शिक्षा की व्यवस्था का स्वरूप जो था वो क्या था यहाँ पे बताया गया है बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था का स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था का स्वरूप क्या था देखिए यहां धर्म का विकास मठों में हुआ था धर्म का विकास कहां हुआ था बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था ये मठ न केवल धर्म के वर्ण शिक्षा के भीतर भी केंद्रित थे वैदिक कालीन शिक्षा के सदृश बौद्ध काल में भी शिक्षा के निम्नांकित दो स्तर थे कौन प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में क्या कहा जाता था जातक कथाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा मात्र बौद्ध धर्म के अनुनायु को नहीं वर्ण सब जाति के बालकों को उपलब्ध थी बौद्ध जाति प्राथमिक शिक्षा जो थी वह बौद्ध धर्म के अनुनायु को ही नहीं वरन सब जाति के बालकों के लिए उपलब्ध थी यह यह जो है मठों में दी जाती थी वह पूर्णतया धार्मिक थी वह शिक्षा जो है कहाँ दी जाती थी बौद्ध धर्म मठों में दी जाती थी और वह क्या थी देखिए हाँ धार्मिक थी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की छह वर्ष थी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ में क्या उसकी आयु थी और उसका समय था जो है छह वर्ष था वह शिक्षा अवधि साधारणतः छह वर्ष की थी शिक्षा अवधि भी छह वर्ष की थी और छह वर्ष की शिक्षा वह शिक्षा अवधि साधारणतः छह वर्ष की थी पाठ्यक्रम के रूप में बालकों को प्रथम छ माह में सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती कौन पढ़ाई जाती थी देखिए सिद्धि रस्तु।, रस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी सोलह माह के बाद शिक्षा तर्क शिक्षा अध्यात्म शिक्षा शिल्प शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा दी जाती सोलह माह के बाद जो है क्या की जाती थी शिक्षा तर्क शिक्षा अध्यात्म शिक्षा व शिल्प शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा दी गई शिक्षा पूर्णतया मौखिक थी शिक्षा क्या थी पूर्णतया मौखिक थी और शिक्षा का माध्यम जो था वो क्या था पाली भाषा में था शिक्षा का माध्यम पाली भाषा में था उच्च शिक्षा सेकेंड नंबर उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा उपसंपदा संस्कार के बाद बारह वर्ष की आयु में प्रारंभ की उच्च शिक्षा जो थी वह बारह वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ की जाती छह वर्ष में क्या किया जाता था प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी छह वर्ष की आयु में उसके बाद उच्च शिक्षा बारह वर्ष के बाद प्रारंभ किया जाता था उच्च शिक्षा के द्वारा सभी जाति व धर्मों चंडाल जाति के बालकों के लिए खुले थे चंडाल जाति के बालकों के लिए भी उच्च शिक्षा खुले हुए थे अध्ययन अवधि 12 वर्ष की थी अध्ययन अवधि कितनी थी 12 वर्ष की थी। और आयु भी 12 वर्ष। पाठ्यक्रम धार्मिक और लौकिक दो भागों में विभक्त पाठ्यक्रम क्या था धार्मिक और लौकिक दो भागों में विभक्त लौकिक जो है पाठ्यक्रम साधारतन नागरिक को धार्मिक बौद्ध धर्म के अनुयायियों को था पाठ्यक्रम जो है लौकिक पाठ्यक्रम सनाथ नागरिक कोष धर्म बौद्ध धर्म के को था ठीक है शिक्षा का माध्यम जो है शिक्षा का माध्यम पाली भाषा में था का माध्यम जो था वो पाली भाषा में था लेकिन शिक्षा पूर्णतया मौखिक थी, थी, थी। बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र मठ व बिहार थे प्रमुख केंद्र कहाँ थे मठ व बिहार थे प्रमुख केंद्र जो है शिक्षा का माध्यम का प्रमुख केंद्र मठ व बिहार हुआ करते थे मठ बिहार हुआ करते थे ठीक है लेकिन कुछ मठों व बिहारों को विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित कर उन्हें कुछ मठों व बिहारों को क्या किया गया विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें क्या किया गया ठीक है विश्व विकसित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बनाया गया ये थे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल के रूप में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया तक्षशिला पाकिस्तान नालंदा बिहार विक्रमशिला जो है कहाँ पे है वो भी बिहार में वल्लभी गुजरात और औदंतपुरी आदि भागलपुर बिहार ठीक है ये सभी जो है तक्षशिला पाकिस्तान नालंदा इंडिया बिहार विक्रमशिला बिहार बल्लभी गुजरात और औदंतपुरी जो है कहा भागलपुर आदि बिहार बनाया गया बौद्ध शिक्षा का मूल्यांकन बौद्ध शिक्षा का मूल्यांकन किया गया बौद्ध शिक्षा के गुण क्या थे देखिए यहां बौद्ध शिक्षा गुण फर्स्ट नंबर सुसंगठित विशाल तथा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र जिन्होंने सुसंगठित विशाल तथा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे जिन्होंने कोरिया चीन तिब्बत और जावा जैसे दूरस्थ देशों से विद्यार्थियों को आकर्षित किया तिब्बत में प्रचार कौन किया था गुरु ऋण पांच ने किया था जो बौद्ध धर्म के प्रमुख विश्व सिधिका का जावा जैसे दूरस्थ जैसे देशों से विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाता सेकंड नंबर पॉइंट देखिए यहाँ क्या कह रहा है सेकंड नंबर पॉइंट बौद्ध बौद्ध शिक्षा बहुत शिक्षा व्यवस्थित थी कैसी थी व्यवस्थित थी राजा आर्थिक सहयोग देते थे लेकिन शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते थे राजा क्या करते थे आर्थिक सहयोग देते थे लेकिन शिक्षा में जो है हस्तक्षेप नहीं करते थे थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है शुल्क जो है होने के कारण अवांछित शुल्क होने के कारण अवांछित जो है शुल्क होने के व्यवस्था होने के कारण अवांछित छात्र प्रवेश नहीं कर पाते थे शुल्क व्यवस्था थी इसलिए अवांछित छात्र वारी छात्र उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे फोर नंबर पॉइंट शिक्षा में अवसरों की समानता का सिद्धांत था शिक्षा में क्या था अवसरों की समानता का सिद्धांत हुआ करता था फाइव नंबर पॉइंट पालन के कारण विद्यार्थी संपूर्ण जीवन ज्ञान अर्जन में अर्पित करता था ब्रह्मचर्य जीवन कारण क्या करता था संपूर्ण ज्ञान का अर्जन किया करता था विद्यार्थी ठीक है विशाल पुस्तकालय थे विशाल पुस्तकालय थे जिनमें प्रत्येक धर्म भाषा की उच्चतम ज्ञान की पुस्तकें संग्रहित विशाल जिनमें प्रत्येक धर्म भाषा की उच्चतम ज्ञान की पुस्तकें हुआ करती थी पाठ्यक्रम संतुलित विस्तृत था पाठ्यक्रम और विस्तृत की, 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 की हुआ करती थी नाइन नंबर पॉइंट बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य आदर्श बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे आदर्श हुआ करते थे टेन नंबर पॉइंट देखिए बौद्ध शिक्षा में वैश्विकरण की सुविधा के कारण प्रत्येक विषय में ज्ञानी विद्वानों का विकास हो सका था बहुत शिक्षा में में जो है के सुविधा के कारण कारण प्रत्येक प्रत्येक सुविधा विषय ज्ञानी विद्वानों का विकास हो सकता था समझ में आ रहा बच्चों नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम कोई भी पॉइंट सामान्य विद्यालय प्रणाली व प्रजातंत्रिक शिक्षा व्यवस्था सामान्य विद्यालय प्रणाली व वस... प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था थी इलेवन नंबर पॉइंट ट्वेल्व नंबर पॉइंट क्या करा। गुरु शिष्य का संबंध क्या था आदर्श हुआ करता था उस जमाने में वैदिक काल में या बौद्ध धर्म में जो है गुरु शिष्य का संबंध गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और वैदिक और गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है आदर्शात्मक प्रदर्शित होता था थर्टीन नंबर पॉइंट क्या कह रहा है देखिए यहाँ बौद्ध शिक्षा की उपलब्धियां महान थी बौद्ध शिक्षा की उपलब्धियां क्या थी महान थी इस काल में विक्रमादित्य चंद्रगुप्त और अशोक जैसे बुद्धिजीवी राजा हुआ करते थे बौद्ध में जो है वो सब बोधिशत्व धारण कर लिए थे विक्रमादित्य भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे चंद्रगुप्त भी अपनाए थे और अशोक जैसे बुद्धिजीवी भी बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है बौद्ध शिक्षा के दोष भी कुछ थे बौद्ध शिक्षा के क्या थे कुछ दोष भी थे ठीक है बौद्ध शिक्षा के दोष देखिए यहां बौद्ध शिक्षा के दोष क्या थे कहा थे हम ये बौद्ध शिक्षा के दोष फर्स्ट नंबर पॉइंट स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता थी स्त्री शिक्षा के क्या थी अपर्याप्तता थी सेकंड नंबर पॉइंट सैनिक शिक्षा की अपेक्षा थी सैनिक शिक्षा के क्या थी अपेक्षा थी और थर्ड नंबर पॉइंट धर्म प्रचार का संकुचित दृष्टिकोण था धर्म प्रचार का क्या था संकुचित दृष्टिकोण था इसमें संकुचित दृष्टि फोर नंबर लौकिक जीवन और लौकिक विषय की उपेक्षा थी लौकिक जीवन और लौकिक विषय की क्या थी उपेक्षा थी फाइव नंबर पॉइंट आजीवन ब्रह्मचर्य भार स्वरूप हो गया और भिक्षु गण व्यभिचारी हो गए आजीवन स्वरूप जो है भार स्वरूप हो गया ब्रह्मचर्य जीवन और भिक्षु गण जो है व्यभिचारी हो गए थे अंत में मूल्यांकन पश्चात कहा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी तथा भारतीय शिक्षा के विकास में इसका योगदान रहा बौद्ध शिक्षा क्या थी आ, अति उत्तम थी तथा भारतीय शिक्षा के विकास का इसमें योगदान रहा है बौद्ध शिक्षा का बौद्ध शिक्षा बहुत इस काल में कि अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त शिक्षा के केंद्र के आज भी अनुकरणीय है इस काल में जो बौद्ध काल में जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे वो आज भी जो है अनुकरणीय है ओके बच्चों वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स बरेली